विशेष भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जयराम रमेश और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करके उन्हें असहाय बना दिया गया है। उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि उनके बैंक खाते रिलीज किए जाने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी बॉन्ड को गैर कानूनी करार दिया है, बीजेपी ने उसी से हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में जमा करा लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि उनकी पार्टी के पास अपने नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने तक का पैसा नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने संवैधानिक संस्थाओं से अपील की है कि अगर देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो उनके फ्रीज खातों को खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए, 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इश्यू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या, 200 करोड़। जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन मिलेगा, लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि फरवरी में कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई में आज शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। महाराष्ट्र में इंडिया की 3 पार्टियों कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के बीच गठबंधन है। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी VBA को लेकर अभी भी कुछ फाइनल नहीं है। प्रकाश अम्बेडकर 5 सीटें मांग रहे हैं, इस पर बात नहीं बन पा रही है। MVA के तीनों दलों के में अब तक जो सहमति बनी है उनके मुताबिक राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिलने वाली हैं। पिछले 2-3 दिन पहले इस फॉर्मूले पर सहमति बन गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की सांगली सीट को लेकर मामला उलझ गया है। सांगली सीट को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच तनाव गहरा आ गया है। कांग्रेस के विरोध के बावजूद उद्धव ठाकरे खुद सांगली जाकर रैली करने वाले हैं। सांगली पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों दावा ठोक रहे हैं कोई सीट को छोड़ना नहीं
नहीं चाह रहा है। सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने दावा ठोका है। कांग्रेस इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन शिवसेना ने इस सीट से पहलवान चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवारी देने का फैसला किया है। ठाकरे गुट की दलील है कि उन्होंने अपने कोटे की कोल्हापुर की सीट कांग्रेस को दे दी है, इसलिए इसके बदले में सांगली सीट उन्हें मिलनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस उद्धव को यह सीट देने के लिए राजी नहीं है, इसलिए महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान नहीं कर पा रही है। दो नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई करने से चुनावों पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की अर्जी खारिज कर दी है। याचिका में अपील की गई थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पुराने नियम से हो, जबकि दो नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति नए नियम से की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस पर फैसला लेने से चुनाव की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा और अराजकता पैदा होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार को नोटिस किया है और पूछा है कि इसमें इतनी गड़बड़ी क्यों दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब इस मामले में कोर्ट सुनवाई करने वाला था तो उससे पहले पुराने नियम से नियुक्ति क्यों हुई। यूपी के बदायूं में दो बच्चों की हत्या के दूसरे आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी साजिद का दो दिन पहले इनकाउंटर हो चुका है। बदायूं में बेरहमी से मासूमों की जान लेने वाले मुख्य आरोपी साजिद के साथ ही जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 का इनामी आरोपी जावेद फरार चल रहा था, जिसे बरेली से गिरफ्तार किया गया। जावेद को बरेली के बस अड्डे के पास से पकड़ा गया। आरोपी जावेद बदायूं में मर्डर के बाद से दिल्ली भाग गया था। जावेद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जावेद खुद को बेगुनाह बता रहा है। जावेद बदायूं के हत्याकांड के मुख्य आरोपी साजिद का भाई है। साजिद को पुलिस ने हत्याकांड के बाद ही रात में मुठभेड़ में मार गिराया था। सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने माफी मांगी है। गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों को लेकर पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती मानी है और आगे से ऐसे विज्ञापन ना देने का हलफनामा दे दिया है। पतंजलि आयुर्वेद और उसके MD आचार्य बालकृष्ण ने गुमराह करने वाले भ्रामक दवा विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। इस माफीनामे में विज्ञापन को फिर से प्रसारित ना करने का भी वादा किया गया है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कंपनी के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। उनका उद्देश्य लोगों को पतंजलि के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस माफीनामे के बावजूद रामदेव और बालकृष्ण को 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा। तो श्रेष्ठ भारत शो में ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।